आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विधायक बनने की चाहत में प्रत्याशी ने बदला है अपना नाम। प्रत्याशी ने 15 दिन में 3 बार बदला है अपना नाम। नाम बदलने पर हो रही है शहर में चर्चा। मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए बदला है नाम। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाई जा रही है, जहां पर विधायक बनने की चाहत में प्रत्याशी ने बदला है अपना नाम। प्रत्याशी ने 15 दिन में 3 बार बदला है अपना नाम। नाम बदलने पर हो रही है शहर में चर्चा। मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए बदला है नाम। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रत्याशी ने बदला है अपना नाम। 15 दिन में तकरीबन 3 बार बदल चुका है नाम। विधायक बनने की चाहत में बदला है नाम। प्रत्याशी ने 15 दिन में बदला है 3 बार अपना नाम। नाम बदलने से हो रही है चर्चा। मतदाताओं के ध्रुवीकरण करने के लिए बदला है नाम। इस वक्त की बड़ी खबर हरदोई से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मतदाता ने विधायक बनने की चाहत में प्रत्याशी ने बदला है अपना नाम। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आगाज, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। सत्र से पहले विपक्षी दलों का प्रदर्शन जारी, सड़कों पर उतरे हैं सपा कार्यकर्ता। महंगाई और किसानों के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया है जारी विधानसभा पर। लखनऊ में विधानसभा शीतकालीन सत्र का आगाज शुरू हो चुका है, जहां सत्र से पहले विपक्षी दलों ने प्रदर्शन का शुभारंभ किया, जहां पर सड़कों पर उतरे हैं सपा के कार्यकर्ता, जहां महंगाई और किसानों के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां विधानसभा शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ है। सबसे पहले विपक्षी दलों का प्रदर्शन किया है, सपा ने शुरू किया सड़कों पर प्रदर्शन। विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया जा रहा, जो महंगाई और किसानों के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आगाज, सत्र से पहले विपक्षी दलों का प्रदर्शन जारी। आप तस्वीरों में साफ तौर पर से देख सकते हैं कि किस तरीके से विधानसभा के सामने सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन जारी किया, जहां महंगाई और किसानों के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन जारी किया गया है। लखनऊ में विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत, सत्र से पहले विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।